press the bell icon on YouTube and don't miss another update. बॉलीवुड को लेकर हम कई बार बात करते रहते हैं और लोगों को लगता है कि साहब बॉलीवुड जो है वो सेंसर बोर्ड से गवर्न होती है। अब सत्य क्या है वो तो अब आपको, हमारे साथ राजेश जी हैं, जाने माने फिल्म आलोचक हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वो आपको भी बताएंगे। फिर बॉलीवुड के और भी एंगल आजकल बड़े चर्चा में है, वो देखते हैं आप। चारों तरफ कोई ड्रग कंज्यूमर है तो कोई ड्रग सप्लायर है तो कोई ड्रग नेटवर्कर है। आइए इन्हीं सभी विषयों पर बात करते हैं। हमारे साथ राजेश जी हैं, आप सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक्स हैं, सपोर्ट लिंक और फॉलो लिंक, उनको ज्वाइन करें। नमस्ते सभी दर्शकों को, राजेश जी का स्वागत है एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पे। राजेश जी, बॉलीवुड बड़ी चर्चा में है आजकल, सारे के सारे जो है वो कोई रिक्रिएशनल, कोई कहता है रिक्रिएशनल है, कोई कहता है चरस है, कोई कहता है गांजा है, कोई आजकल क्या ये यहाँ की सभ्यता इसी प्रकार की हो गई है क्या? वैसे हमने अफवाहें तो सुनी थी लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि साहब ऐसा का पूरा जो है, जिसको कहते हैं कि पूरी की पूरी नींव ही खोख लिए, सारे पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई। ये कला क्षेत्र में थोड़ा सा डेकेडेंस रहता है, बिना डेकेडेंस के कला क्षेत्र जो है, इसीलिए पुराने युग में जो है कला क्षेत्र को बहुत सम्मान नहीं दिया जाता था, समाज जो है उसको थोड़ा सा नीची निगाह से इसीलिए देखता था कि थोड़ा डेकेडेंस रहता है, तो वो थोड़ा बहुत तो डेकेडेंस रहता है, लेकिन ये अब ये थोड़ा बहुत नहीं रह के बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो एक ऐसी सीमा तक पहुंच रहा है जहां कुछ इस तरह के विस्फोट होने, वो निश्चित विस्फोट, ऐसे विस्फोट होने थे तो कुछ वही सब चल रहा है इस समय, थोड़ा बहुत डेकेडेंस रहता है ये इंडस्ट्री बाय नेचर, डेकेडेंट इंडस्ट्री। अब तो समाज में भी उतना डेकेडेंस आ रहा है तो वो भी थोड़ा बहुत इसमें परिलक्षित हो रहा है। हाँ, लेकिन इसका हमने देखा है पहले, एक हमने पहले भी बात की थी कि जो इसका एक पूरा सिस्टम ऑफ फाइनेंस है वो भी इसके लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी है, क्योंकि पहले तो ये इंडस्ट्री होती नहीं थी, इसको इनफॉर्मल फाइनेंस मिलता था, वो फाइनेंस पहले तो बड़े सेठ किया करते थे, बाद में उन सेठों से लेके अंडरवर्ल्ड इसका फाइनेंस करने लगा, फिर अंडरवर्ल्ड में भी एक विशेष किस्म का अंडरवर्ल्ड इसको फाइनेंस करने लगा, तो जैसे जैसे इसके फाइनेंसिंग का स्ट्रक्चर बदला वैसे वैसे इसका प्रकृति बदली, वैसे वैसे जो इसका पूरा का पूरा जो इसकी रूटेडनेस थी वो समाप्त थी, और वो एक हिंदू कल्चर को रिफ्लेक्ट करते करते एक मुस्लिम कल्चर को, गंगा जमनी तहजीब को पहले करने लगा, फिर गंगा जमनी से तो आजकल तो पूरी तरह से सूफियाना हो गया, तो उस डेकेडेंस का ये भी एक कारण हो सकता है, आप क्या सोचते हैं? डेकेडेंस का कारण तो कई कारण है डेकेडेंस के, एक तो कारण यह है कि पैसा दुनिया भर का आने लगा है, तो जहां पैसा होगा वहां डेकेडेंस होगी, पैसा होने से रचनात्मकता नहीं बढ़ती है, डेकेडेंस बढ़ता है, पैसा होने से उसका अनाप शनाप उपयोग किया जाने लगता है, तो वो पहले एक दूसरे तरह का डेकेडेंस था, उसमें ये था कि थोड़ा सा आप कह लें कि कास्टिंग काउच और इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन उसका स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है, और ये जो ड्रग्स वगैरह का जो शुरू हुआ है ये एक परंपरा चली, और ये भी विदेश चली हुई परंपरा है कि अगर आप जितना ड्रग लेते हैं तो आपका आपकी रचनात्मकता बढ़ जाती है, अगर आप ड्रग लेते हैं तो आप बहुत बढ़िया डायलॉग बोलने लगते हैं, आप बहुत बढ़िया डायलॉग लिखने लगते हैं, और मेरे तो कई मित्र जो थिएटर से जुड़े थे वो सारे लोग जो है यही मान के चलते थे, और कभी कभी मैंने तो बड़े थिएटर नाम वाले लोग जो हैं उनको लगता था कि अगर शराब नहीं पी जाए तो फिर थिएटर में रहने का अर्थ क्या है, तो उससे ये परंपरा जो है, और ये खासतौर से जो बड़े पढ़े लिखे जो प्रबुद्ध वर्ग थे वो ये ड्रग का कल्चर लेके आए, जो लोग जो हैं पहले के जो एक्टर थे, मुझे ये लगता है कि अगर आप बहुत देखा जाए तो थोड़ा शराब और आप पी लेते थे,
लेकिन वो भी इतने एडिक्टिव नहीं होते थे, फिर भी कंट्रोल में रहते थे। लेकिन बाद के दिनों में जो ये एक्टर हैं वो तो शराब ड्रग्स और सब कुछ चलने लगा उनके बीच में, तो ये सिलसिला शुरू हुआ। और कहीं मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो उसकी शुरुआत जो है पारसी थिएटर इन सब से हुई। ऐसा नहीं था, पारसी थिएटर का प्रभाव रहा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत जो दादा साहब फाल्के थे वो तो पूरी राष्ट्रवादी शुरुआत थी। वो तो जो उस समय बाइबलिकल थीम्स पे जो फिल्में आ रही थी उस समय, मूक बधिर फिल्में जिन्हें कहा जाता था, उन फिल्मों को देख के दादा साहब फाल्के ने कहा कि नहीं साहब, हम भी अपनी जो मिथोलॉजी जिसको हम आजकल हिस्ट्री मान के चलते हैं, इतिहास अपना मान के चलते हैं, तो हम अपने इतिहास के ऊपर फिल्में बनाएंगे। और उन्होंने वो फिल्में बनाना शुरू की। तो जो मूल आधार था भारतीय फिल्म उद्योग का वो तो राष्ट्रवादी ही था, उसमें कहीं कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। वो बाद के दिनों में उसके अंदर ह्रास हुआ और बाकी सारी चीज़ें और राजनीति और दुनिया भर की चीज़ें उसके अंदर आके जुड़ गई। और अंग्रेज़ों के जाने से पहले भी बहुत हद तक कहीं ना कहीं भारतीय थीम और विशेष रूप से जो हमारे समाज से समाज की कुछ कुरीतियाँ थी उनको लेकर भी फिल्म बनाई करती थी। तो ऐसा नहीं था कि फिल्म उद्योग के लोग सजग और सन्नद्ध नहीं थे। अब जैसे कि दो आंखें बारह हाथ जैसी फिल्में देखी है, वो इस तरह की बनी फिल्म थी जिसमें कि रिहैबिलिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था और उसमें एक भारतीय अप्रोच ही था उस फिल्म के अंदर, जिसमें दिखाया गया कि कैसे लोगों का हृदय परिवर्तन जो है बुरे से बुरे लोगों का हो सकता है। लेकिन वो हृदय परिवर्तन संभवतः जो है मतलब कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही संभव था। आजकल के परिप्रेक्ष्य में ऐसे हृदय परिवर्तन नहीं होते हैं, आजकल अपराधी बहुत शातिर हो गए हैं। एक और भी एक समस्या जो दिख रही है कि इस तरह से बॉलीवुड में जिस तरह का डेकेडेंस आया, पैसे का निर्बाध और अबाध फ्लो आया, और उसके कारण जो है वो रचनात्मकता तो समाप्त हुई है। एक तरह का एक क्लीक या कबाल या कुछ लोग उसको जो है गैंग तक कह देते हैं कि उस तरह का पनप गया जो एक तरह से जिसने बॉलीवुड में ये तय करना आरंभ कर दिया कि किस तरह की फिल्में तो चलेंगी, किस तरह की फिल्में नहीं चलेंगी, किस तरह के थीम्स जो है वो आगे बढ़ेंगे, किस तरह के थीम्स नहीं बढ़ेंगे, किस तरह का एक नैरेटिव चलाया जाएगा, किस तरह का नैरेटिव डिस्करेज किया जाएगा। और यह ऐसा लग रहा है कि इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि जो रेगुलेटरी संस्थाएं हैं जैसे कि CBFC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, पिछली बार भी हमारी आपकी बात हुई थी और उसमें यही हुआ था कि जब तक दोनों अलग अलग नहीं होंगे तब तक तो ये एक प्रकार का ये समझ लीजिए कि एक इंसेस्टुअस रिलेशनशिप ही हो गई। और वही वाली बात है कि साहब की अंधा बांटे रेवड़ी फिर खुद को दे, कि हमारे दोस्त जो है वो अगर सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं तो फिर वो फिल्में वही पास करेंगे जो हमारी तरह की होंगी, फिर उसके एवज में हम भी उनको कुछ प्रतिदान देंगे, और जो नैरेटिव हमारे फाइनेंसर जो हैं वो चाहते हैं कि चले वो तो आगे बढ़ेगा, उसमें यदि एंटी नेशनल बातें भी आ जाएं तो भी वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो जाएगा, और यदि खुल के कहें उसको तो जो लेफ्टिस्ट नैरेटिव है वो, और जो नॉन लेफ्ट नैरेटिव है उसमें छोटी छोटी गलतियां भी निकाल ली जाएंगी और उनको डिस्करेज किया जाएगा, उनका सर्टिफिकेट लेवल डाउन कर दिया जाएगा, या उनको इतनी सारी उसमें गलतियाँ निकाल दी जाएंगी कि उसका पास होना संभव हो जाएगा। इस तरह के कुछ उदाहरण आपको देखने में मिल रहे हैं क्या आजकल? तृतीया है, जैसे कि एक दूसरा इस विषय से थोड़ा अलग हटके मैं बता रहा हूँ आपसे। अभी जो अभी हाल ही में कर्नाटक में वहाँ की जो बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक ऑर्डर निकाला दुर्गा पूजा में कि दुर्गा पूजा में किस तरह का एक पालन करना है, किस तरह के नियमों का, उसमें दुर्गा की मूर्ति के बारे में भी उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया कि मूर्ति जो है 4 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सब कुछ हुआ। जो बड़ा हंगामा हुआ ट्विटर पे, और उसमें लोगों ने टैग किया तेजस्वी सूर्या वगैरह को, सबको। तेजस्वी सूर्या ने स्मार्ट है, तुरंत पकड़ते हैं चीज़ को, तो उन्होंने तुरंत चिट्ठी भी लिखी अपने पैड पर जो बेंगलुरु, और उसमें ट्वीट में उन्होंने कहा कि साहब ये तो पुरानी परंपरा चल रही है, कोई भी चीज हिंदू है उसको जो है वैसा उल्टा सीधा करो। ये लिखा ट्वीट में तेजस्वी सूर्या ने। देखा मैंने, आज मैंने उसको रीट्वीट भी किया।
हाँ, और उसको हमने हम सब लोगों ने रिट्वीट भी किया, और वो बड़ा महत्वपूर्ण ट्वीट था कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में सीधा इल्जाम था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कि ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट ऐसा है कुछ भी हिंदू होगा तो उसके ऊपर जो है इस तरह के सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो ये माइंडसेट जो है हमारे यहाँ हर जगह है। सीबीएफसी के जो एक अधिकारी हैं उनके अंदर भी माइंडसेट है, कोई भी हिंदू कोई ऐसा विषय आ जाएगा जो हिंदू कह के आएगा ये सीबीएफसी के अधिकारी वहां पे अपना सेकुलरिज्म जाड़ने लग जाएंगे। और इतने घटिया अधिकारी हैं, उनको कोई जानकारी न फिल्मों की है न किसी विषय की है, लेकिन वो थोप देंगे वहां पे। न जाने क्या ये मानसिकता कैसे ठीक होगी, ब्यूरोक्रेसी की ये मानसिकता कैसे ठीक होगी, ये कहां से इस तरह के लोग घुस आते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता है। तो ये सिलेक्शन जो प्रोसेस है या जो आप लोगों की ट्रेनिंग का प्रोसेस है उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं बहुत भयंकर खामियां हैं, जहां हिंदुओं को अभी भी नीचा दिखाया जा रहा है, हिंदू परंपराओं को अभी भी नीचा दिखाना जो है उसको उसको एक सामान्य बात मान के चला जा रहा है। अब देखिए प्रोग्रेसिव है वो, प्रोग्रेसिव है। अब प्रश्न आप कहां का, जैसे कि सीबीएफसी के यहाँ के जो आरओ हैं वो जेएनयू के पढ़े हुए हैं क्या, पता नहीं कितने बड़े प्रोग्रेसिव हो गए, और कितने बड़े प्रोग्रेसिव हो गए कि किसी चीज के ऊपर जो है मतलब कि वो इतना समझ जाए फिल्म के बारे में, फिल्म के कथानक के बारे में, कि खुद स्वयं फैसला करने लगे उसमें। तो ये सब कुछ जो हो रहा है शुद्ध रूप से जो ब्यूरोक्रेसी का जो अभी भी सिस्टम चल रहा है, जिसके अंदर हिंदू शब्द, अब एक परिस्थिति थी, एक जमाना था, जिस जमाने में मुझे याद है कि मेरे एक इंजीनियरिंग कोई पढ़ता था, विज्ञान के विषय लोग पढ़ते थे, तो मान लिया जाता था कि साहब वो तो एंटी ब्राह्मणिज्म बोलेंगे ही कुछ ना कुछ, उनको लगता था कि सब कुछ जो है बिगाड़ा हुआ है इन्होंने ही, क्योंकि वो परंपरा थी। विज्ञान की पढ़ाई में भी जो कहीं ना कहीं से कोई शिक्षक जो ऐसा होता था जो ये बताता था कि साहब ये सब क्या है, ढपोषण की चीजें हैं, इनको छोड़ो। तो अपनी संस्कृति से काटने का ये बड़ा पुराना सिलसिला था, और वो अभी भी चल रहा है वो सिलसिला, और अभी भी ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, लोअर ब्रिक ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ये दुख की बात है। तो फिर इसको ठीक कौन करेगा? तो ठीक करेगा वो जो ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, जिसको सरकार अपॉइंट करती है। वो तो एक प्रबुद्ध व्यक्ति होना चाहिए, वो तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इन सारी चीजों को समझता हो, उसको तो इस देश की संस्कृति की समझ होनी चाहिए, उसको तो पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज कही जा रही है तो न्याय सही तरीके से कही जा रही है, अगर कोई हिंदू विषय जो है उसके अंदर आता है तो उसको किस तरीके से देखना है, उसको भी उतने ही सम्मान के साथ देखना है जितना किसी और विषय को देखना है। लेकिन वहां भी उनके मन में भी एक अजीब सा कमतरी का जो है एहसास जो कहा रहता है वो, क्योंकि एक आम बात है अपने आप को हिंदू नहीं कह सकते। अब जैसे कि इस सरकार ने दुनिया भर के लोगों को अपॉइंट कर दिया है, लेकिन जब सरकार खुद ही हिंदू शब्द बोलने से हिचकती है तो ये सब क्यों बोलेंगे, जिनको इन्होंने अपॉइंट किया वो क्यों हिंदू शब्द बोलेंगे, वो भी तो वैसे ही चिढ़े रहेंगे, और जिस मिल्यू में वो चल रहे हैं काम कर रहे हैं उस मिल्यू से झगड़ा थोड़ी करने वाले हैं ये। सरकार 5 साल रहेगी, 10 साल रहेगी, 15 साल रहेगी, इनको तो उस इंडस्ट्री में रहना है, उसी इंडस्ट्री में मरना है, तो इनके मन में आता है कि भाई हम क्यों झगड़ा मोल लें। और कोई निश्चित तो रहता नहीं सरकार के बारे में कि सरकार 5 साल है तो अगले साल 5 साल भी आएगी, तो ये तो निश्चित अपना एक जो करियर है उससे अलग हटके क्यों करेंगे कुछ। तो जो लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं सीबीएफसी में जो है चेयरमैन के तौर पर, ये वो भी जो है इस चीज को ध्यान नहीं देते, उनके ध्यान में ये रहता है कि हमारी स्थिति कैसे मजबूत हो, क्योंकि उनका भी महत्व इसीलिए है सरकार निगाह में, उनका भी महत्व इसीलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए मोदी जी एक कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो प्रसून जोशी जी से कहते हैं भाई चलो कुछ करो, कोई उनका पीए कोई उनको बोल देता है कि भाई एक कार्यक्रम कराओ बॉलीवुड वालों का, तो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार को लेके आ जाते हैं, उसी में उनका भी महत्व है, तो उनको लगता है कि वो स्टार से मैं झगड़ा कर लूंगा तो इसको लेके कैसे आऊंगा। तो ये सारे जैसा आपने कहा ना कि इंसेस्टुअस रिलेशनशिप इस तरीके से बना हुआ है, तो जो एक सही तरीके से काम होना चाहिए, जो इन सरकारी संस्थाओं को न्याय करना चाहिए, नए अपने नियमों का सही तरीके से निष्पक्ष होकर पालन करना चाहिए, वो पालन नहीं होता। एक फिल्म को जांचने का तरीका दूसरा होगा, दूसरी फिल्म को जो उसी तरह के विषय की फिल्म होगी वैसे ही डायलॉग होंगे, वैसे ही रचनात्मकता होगी उसकी, उस फिल्म को जांचने का तरीका दूसरा हो जाएगा। तो कोई राष्ट्रवादी फिल्म मेकर अपनी फिल्म लेके पहुंचेगा तो उसको पहले से नीची निगाह से देखा जाएगा, क्या राष्ट्रवादी है, ये तो ढपोशंखी होगा, ये तो जिंगोइस्ट होगा, तो उस दृष्टि से उसको तौलने लगेंगे लोग तुरंत एक झटके के अंदर। ये समस्याएं हैं जी। अभी एक उदाहरण है मेरे पर सामने, एक फिल्म बनाई, पहली बार किसी ने बहुत साहस करके फिल्म बनाई लव जिहाद के ऊपर, और फिल्म का नाम है दी कन्वर्शन, और उसकी रिलीज डेट है
8 अक्टूबर यानी कल, और सीबीएसई जो है उसके ऊपर कुंडली मार के बैठी हुई। सुनने में ये आ रहा है कि उनको कह रहे ये तो बहुत कम्युनल है, इससे तो देश की कम्युनल स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। यानी पिछले 70 साल तक ये सारे के सारे आपके जो पाकिस्तान के तराने लिखते थे, कैफी आजमी, मजाज लखनवी जैसे लोग, ये यहाँ पर आकर और बाकी बाद में सज्जाद जहीर जैसे लोग भी वापस आ गए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक्टिव कैंपेन की थी, वो सारे यहाँ बैठ के प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के सदस्य बनके और ये 70 साल तक अपना नैरेटिव चलाते रहे और उसमें पूरा का पूरा इन्होंने स्टीरियोटाइपिंग कर दिया एक भारतीय संस्कृति का, मुल्ला जो है वो सदैव बड़ा दयालु दिखाई देगा आपको, दयालु क्या दिखाई देगा, बड़ा पायस, बहुत ईमानदार, और पादरी जो है वो बहुत ही दयालु होगा, और ब्राह्मण जो होगा या पुजारी जो होगा वो ढोंगी होगा सदैव, ठाकुर जो होगा वो सदैव क्रूर होगा, और हिंदू देवी देवताओं का 70 के दशक के बाद से, जब से जावेद अख्तर साहब और सलीम साहब जो है उनका बोलबाला हुआ, तब से 786 आगे बढ़ने लगा और मंदिर में देवी देवताओं का उनके सामने जाके अमिताभ बच्चन जो है उनसे लड़ाई करने लगे। तो ये बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में पहुंच गया कि आज आप पूरा का पूरा जो म्यूजिक है वो समाप्त हो चुका है, जो भारतीय संगीत है, और आपको उसमें खाली वहाँ पर सूफी तराने सुनाई पड़ते हैं जिसमें ना तो कोई रस है, ना उसमें कोई शब्द है, ना उसमें कोई कृति है, और सिर्फ वही अल्लाह मौला ऐसा इस तरह से फालतू की बातें होती रहती। सारा कृतित्व क्षीण हो चुका है, सारी उसकी रचनात्मकता क्षीण हो चुकी है उस संगीत की, साथ ही जो फिल्मों का हाल है वो है। ऐसी स्थिति में यदि कोई जरा सी भी लीक से हटके मूवी आती है तो उसको ये तुरंत हैमर मार देते हैं, इसकी ये बारे में मैंने आपने आपसे बात हुई तो मैंने कुछ जांच पड़ताल की, तो उसमें आपको बताया मैंने कि अलग अलग पहलू हैं इसके। एक तो कहा गया है फिल्म मेकर को, जो उसके डायरेक्टर है, किसने का नाम मुझे डायरेक्टर का नाम नहीं पता, विनोद तिवारी जी कोई डायरेक्टर है इसके, विनोद तिवारी, हाँ, तो उनको ये बताया गया कि साहब आप ऐसा करिए कि आप कुछ इसके जो फैक्ट्स हैं, जो ये घटनाएं हुई हैं उससे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो ले आके दीजिए, इसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। और भी दूसरी जगह से बात हुई तो कहा गया कि इनसे अपेक्षा की जाती थी कुछ इस तरह के जो डायलॉग है, जैसे कि एक डायलॉग का जिक्र मेरे सामने आया जिसमें ये कहा जाता है कि हम संविधान और शरिया और ये सब नहीं मानेंगे, जो कुछ भी है वेद जो है उसको मानेंगे, एक ऐसा कुछ डायलॉग है। तो लोगों का था कि भाई इस तरह के डायलॉग है उसको तो उनको निकाल ही देना चाहिए। तो जो हम यहाँ बैठ के संविधान की आलोचना नहीं कर सकते क्या? तो तब उसमें ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है, मैंने अब बुद्धिमानी देखिए कि ये सारी चीजें सजेस्ट की जा रही हैं, इनमें से कोई भी अगर उनके जो जिन जिन आधारों की बात यहाँ हो रही है उन आधारों को अगर ध्यान में रख के चला जाए कि ये जैसे कि डायलॉग है या ये कोई नहीं है उसके अंदर कहीं भी किसी भी सीबीएफसी की गाइडलाइन में एक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप ले आके फैक्ट्स और फिगर्स और केस पेपर्स ले आके आप जमा करिए तब जाके हम आपकी फिल्म को सर्टिफाई करेंगे, ऐसी तो कोई गाइडलाइन नहीं है। तो ये आधार कहां से आ गया कि साहब आप फैक्ट्स दीजिए तब हम इसको पास करेंगे, तो ये आधार कहां से आ गया? दूसरा, संविधान, उसमें संविधान के बारे में तो कहीं कुछ है ही नहीं कि आप संविधान के बारे में अगर आपको ये कमेंट कर रहे हैं तो सब करते हैं, तो कितनी फिल्मों में अदालतें जो है ऐसे निर्णय सुनाती हैं जो पूरी तरह से मखौल है हमारी पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का और अदालत की प्रक्रिया का, हमारे जो पीनल कोड है उनका सबका मखौल उड़ा देते हैं, वो सब कुछ पास हो जाता है, पास होता है। एक फेमस डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल का कौन थी वो फिल्म थी, वो डायलॉग तो चलिए एक हाईलाइट करता है कि साहब क्या हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जो एंटी हीरो वाला है वो तो चलता ही इसी प्रमाइस पर है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये बेकार है और हम तो जो है सिस्टम से बाहर जाके अपने बाहुबल से सारा का सारा ठीक कर लेंगे।
नहीं हालत ये क्या है, शोले क्या है, सब यही है। अपने देखिए हालत देखिए क्या है, हालत ये है कि आजकल लेकिन समस्या थोड़ी हो गई, आप लोग उसके पहले जुडिशरी की बात कर रहे थे, समस्या ये हो गई है कि आजकल जुडिशरी और हमारे कुछ विशेष जजेस जो हैं वो बॉलीवुड से भी प्रेरणा लेने लगे हैं। अच्छा, ऐसे जजमेंट भी आने लगे हैं जो लगता है कि किसी बॉलीवुड की अदालत में किसी स्क्रिप्ट राइटर ने वो लिखा है, और जजमेंट आप पढ़ेंगे तो जजमेंट में न जाने क्या क्या शेक्सपियर से लेके और कालिदास से लेके न जाने क्या क्या, और रामायण महाभारत और ये ओथेलो और क्या क्या सब कोट करके लंबे लंबे 20-20 25-25 पेज के 30-30 पेज के जजमेंट जजमेंट दिए जाते हैं डिफेमेशन के केस में। मुझे याद है वो जायरा शेख वाला जो जजमेंट दिया गया था, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो जजमेंट दिया गया था, वो जस्टिस अरिजीत पसायत ने वो जजमेंट दिया था, पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे कि किस तरीके के जजमेंट है। तो ऐसे सारे जजमेंट आते हैं, तो अब ये समस्या हो रही है कि बड़ा गड़बड़ा रहा है, कि लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो है मतलब कि जज साहब लोग जो है वो हॉलीवुड बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटिंग के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाएंगे रिटायरमेंट के बाद, ये भी लगने लगा है। लेकिन लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि इस केस में कहीं कोई आधार ही नहीं है। आप अब जैसे ये डायलॉग भी अगर है तो डायलॉग है, अब मैं आपसे बोल रहा था अभी ना कि आप जो है जिस कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया जा रहा था और सारे वकील वो सारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो 90% सब वकील ही थे और बड़े मूर्धन्य वकील थे, बड़े बड़े नामी नामी वकील थे उसके अंदर, वो सारे वकील उस पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में राधा सर्वपल्ली राधा कृष्णन से लेके और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके और कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी से लेके डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी से लेके सारे लोग वहां थे, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग वहीं थे। और वो सारे वकील जो है बार बार 5000 साल पुरानी सभ्यता हमारी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है प्रेजेंट किया रखा उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने, उसमें यही कहा 5000 साल पुरानी सभ्यता, जब 5000 साल पुरानी सभ्यता जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन का आधार है तो फिर सही में वेद वेदांग ही तो बड़े माने जाएंगे, क्योंकि वो वैदिक सभ्यता ही की बात तो कर रहे थे वो बार बार। तो उस वैदिक ट्रूथ को जहां छाप दिया गया, जहां आपने सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है वो बन गया, वो आपके देश का मोटो बन गया, धर्मो रक्षति रक्षिता हो गया, उसके बाद भी आपको भी संदेह है कि जो हमारा जो वैदिक परंपरा है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो क्रिएटेड है जो है वो तो क्रिएटर से बड़ा नहीं हो सकता ना, तो इस समाज ने इस सभ्यता ने क्रिएट किया है ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। तो ये डायलॉग जो है, इस डायलॉग के आधार पर अगर कोई व्यक्ति जो है इस फिल्म को रिजेक्ट कर रहा है इसके सर्टिफिकेशन को, तो ये तो गलत है। मेरी एक सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह है कि आप कुछ भी करिए, आप सबको समान दृष्टि से देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो सरकार की संस्थाएं हो, CBFC हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, बस एक काम तो हम चाहते हैं उससे, हिंदुओं की बस एक ही समस्या है ना, एक ही मांग है कि भाई हमें समान दृष्टि से देखो, जो अधिकार बाकी सारे समाजों को दिया है तुमने वो अधिकार हमें भी दे दो। अगर तुम उनके मंदिरों का, उनके किसी के मस्जिद का, किसी के चर्च का धन लेके उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हिंदू मंदिरों के भी धन लेके उसका इस्तेमाल मत करो, यही तो मांग है हिंदुओं की। तो इसीलिए हम कोई फिल्म हिंदू विषय पर लेके आ रहे हैं तो उसको भी उसी तराजू पे तौलो जिस तराजू पे तुम बाकी सारी फिल्में तौलते हो, लेकिन बाकी सारी फिल्में तो इस तराजू पे तौली नहीं जाती हैं। किसी ने मुझे एक उदाहरण दिया अभी कुछ समय पहले कि दिल्ली कांड करके एक फिल्म बनी थी, उसको US सर्टिफिकेट दिया गया, पता नहीं आप उसके बारे में जानते हैं नहीं, ये शायद निर्भया वाले इशू पे थी। अच्छा। उसमें 20 मिनट तक रेप सीन था। अगर आप CBFC गाइडलाइंस देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के रेप सीन जो है रखे नहीं जा सकते, आप इसको हाईलाइट इस हद तक कर ही नहीं सकते। इन्होंने 20 मिनट के रेप सीन को काट के 10 मिनट तक कर दिया और US सर्टिफिकेट, और ये US सर्टिफिकेट उसको दे दिया, 10 मिनट का रेप सीन और US सर्टिफिकेट, यानी कि 12 साल के ऊपर के बच्चे भी उसको देखेंगे और जानेंगे किस तरह से बस में निर्भया के साथ क्या हुआ। ये CBFC ने ये किया है, इसी CBFC ने उसको सर्टिफाई किया है, इसी CBFC ने तूफान फिल्म को सर्टिफाई किया है।
तूफान जिसने भी देखा है, जिस हिंदू ने भी देखा है, वो अंदर ही अंदर जो है उसके अंदर क्या गुजरी होगी उसके ऊपर, उसको किस रूप में एक हिंदू लड़की के पिता को प्रस्तुत किया गया है। पूरी तरह से लव जिहाद को प्रमोट करती हुई फिल्म थी, जिसमें पूरे एक समाज को नीचा दिखाया जा रहा है, पूरे एक समाज को, और भी इतने बड़े समाज को जो हमारा बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज को नीचा दिखाया जा रहा है। और उस फिल्म को इसी सीबीएफसी ने पास कर दिया। कैसे पास कर दिया? इसी प्रसून जोशी ने पास कर दिया। कैसे पास कर दिया? इसलिए पास किया क्योंकि दोस्त है वो, उन्हें अपनी दोस्ती निभा के रखनी है इन सारे बेईमान मक्कारों से। तो न्यायप्री कहां हुए? वो सही काम कहां कर रहे हैं? अगर वो सीबीएफसी के बारे में इतना जानते होते तो मुझे याद है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक फिल्म थी मार्गरीटा विद स्ट्रॉ करके एक फिल्म थी। ये जब प्रमोट किया जा रहा था फिल्म को, और वहां फिल्म की जो मेकर थी, डायरेक्टर थी, और आमिर खान थे, और ये खुद वहां बैठे हुए थे प्रसून जोशी, जो फिल्म लेस्बियन रिलेशनशिप के ऊपर जो फिल्म थी, उसके लिए यू सर्टिफिकेट के लिए प्रमोट करने के लिए वहां बैठे हुए थे कि साहब इस फिल्म को तो यू सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, जिससे कि बच्चे भी इस फिल्म को देखें। ये बैठे हुए थे वहां, उस समय वो सीबीएफसी के चेयरमैन नहीं बनाए गए थे, लेकिन वहां बैठे हुए थे। इनसे जब मैंने पूछा क्या जानते हो सर्टिफिकेशन प्रोसेस के बारे में, सर्टिफिकेशन रिजीम के बारे में, इनको कुछ नहीं पता था। किस आधार पे इन्होंने पद्मावत जो है उसको सर्टिफाई किया, ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो न्याय दो, हिंदू को भी वही न्याय दो जो मुसलमान को दे रहे हो, ईसाई को दे रहे हो, सिखों को दे रहे हो, वही न्याय करो। हिंदू विषय पर कोई फिल्म बन के जाएगी, आप वहां डंडा लेके खड़े हो जाएंगे? और थर्ड रेट रीजनल ऑफिसर यहां का बंबई में बैठा हुआ है, वो लगता है अपना सेकुलरिज्म झाड़ने, और वहां जो बैठे हुए हैं लोग जो है एग्जामिनिंग कमिटी में, वो भी यही करते हैं। आप दंग रह जाएंगे जान के क्या क्या खेल यहां होते हैं। सब व्यक्तिगत आधार पर सब कुछ निर्णय किए जाते हैं। कुछ बताए बताया आपको, सारे उदाहरण दे ही दिए। वही देखिए ना, दिल्ली कांड का उदाहरण देखिए, 20 मिनट काट के 10 मिनट का वो रेप सीन, जिसने भी देखा, जिस हमारे जर्नलिस्ट मित्रों ने देखा, उन्होंने मुझे बताया, मैंने तो फिल्म देखी नहीं, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप रोंगटे हम लोग खड़े होते, क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है। वो सर्टिफाई हो गई। कैसे सर्टिफाई हो गई? कौन क्वेश्चन करेगा? और जब हुआ कि साहब एक कानून बनाया, वो कानून भी बस्ते में चला गया, INB मिनिस्ट्री जावड़ेकर भी चले गए, वो कानून भी बस्ते में चला गया, कुछ होने वाला नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उसका सर्कुलेशन सर्कुलर भेज दिया गया था कि आप लोग अपने ऑब्जेक्शन दीजिएगा, जिसमें ये कहा गया था कि साहब अगर कोई सीबीएफसी भी कोई सर्टिफाई कर दे रही फिल्म को, लेकिन राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्रीय एकता के ऊपर और राष्ट्र की अखंडता के ऊपर कहीं कुछ हो रहा है, राष्ट्र विरोधी कुछ एलिमेंट उसके अंदर है, तो हम उसको दोबारा रिकॉल कर सकते हैं, जिसके ऊपर बड़ा हंगामा किया था, जिसके ऊपर आपने कार्यक्रम भी किया था, मुझे याद है उस कार्यक्रम में सारी चीज रखी थी। वो कानून जो है वो अटक गया। अब ये सारी फिल्में हैं, अगर इस फिल्म को जिसके अंदर जो है 10 मिनट का निर्भया रेप कांड दिखाया जा रहा है, 10 मिनट तक वो जघन्य कृत्य होते हुए दिखाया जा रहा है, इसको रोकना होगा तो कैसे रोकेंगे आप? एक बार सीबीएफसी पास कर देगी, पास हो गया, तूफान को कैसे रोकेंगे आप? एक बार सीबीएफसी ने पास कर दिया, पास हो गया, उसके ऊपर देश के राष्ट्र के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारी जो सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती, राज्य सरकारें उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती। तो सीबीएफसी को इतना अधिकार दे देंगे आप कि सीबीएफसी जो करेगी वो सत्य माना जाएगा, और सीबीएफसी की हालत है, सीबीएफसी जो है सीबीएफसी के अपने ही निर्देशों का पालन नहीं करती है, सीबीएफसी अपना दोस्ताना चलाती है, वहां पर मित्र लोग हैं। मेरे पास खबर आई है कि शाहरुख खान इन तरह लोगों की फिल्में होती हैं तो उनके खास लोग वहां डाल दिए जाते हैं एग्जामिनिंग बॉडी में। वो पूछता है, जो रीजनल ऑफिसर है वो पूछता है, वो तय करता है कि कौन कौन होगा उस कास्ट फिल्म के लिए, और बोलता है लोगों से कि भाई ये खला फला बड़े डायरेक्टर की फिल्म है, थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। तो वहां जो एग्जामिनिंग कमेटी के मेंबर है उनके कान खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भैया आज हम ध्यान रखेंगे, पास कर देंगे, नहीं तो अगली बार बुलाएगा नहीं। वो एक नया कानून सिस्टम इस्तेमाल करता है यहाँ के रीजनल ऑफिसर, इतने बदमाश हैं सब कि अगर आप उनकी बात को काटेंगे कहीं तो दोबारा आपको बुलाएंगे नहीं। तो 2,500-3,000 रुपये कुछ मिलता है जो लोग जाते हैं इसको देखने के लिए, वो 2,500-3,000 रुपये भी नहीं मिलेगा, आने जाने का खर्चा तो ऐसे ही नहीं देते हैं सब, लेकिन वो 2,500-3,000 नहीं मिलेगा।
और लोगों का थोड़ा चाव रहता है कि हमें रख दिया गया है एग्जामिनिंग बॉडी में, तो थोड़ा जाया करेंगे, कुछ काम किया करेंगे, तो पता चला कि गायब हो गए आप किसी पैनल में है ही नहीं, आपको कभी बुलाया ही नहीं जाएगा। तो ये सारे मेथड्स इस्तेमाल करके अपने तरीके से, गलत तरीके से, बिना सीबीएफसी के निर्देशों का ध्यान रखते हुए फिल्में पास होती हैं। और जैसा मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो है वैसे ही हिंदू विरोधी है, उसके अंदर कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। और अब तो इस देश का इतना अच्छा एमपी, इतना बढ़िया वोकल एमपी और एलोक्वेंट एमपी जो है तेजस्वी सूर्या, ये कह रहा है, उसने ट्वीट कर दिया और कह दिया, सर्टिफाई कर दिया कि यहाँ के जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी अभी भी कॉलोनियल दिमाग, उस कॉलोनियल तरीके से चल रही है। और भी बाकी लोगों ने तो किताबें लिखना शुरू किया, तो कम से कम वो किताबें लोग पढ़ रहे हैं, जैसे साई दीपक की किताब है, लोगों ने बताना शुरू किया है कि जुडिशरी क्या हालत है, हमारा जो पूरा ज्यूरिसप्रूडेंस है उसका आधार क्या है, वो भी पता चल रहा है। तो जब ये हालत है तो कैसे कुछ होगा वो? तो उसमें दूसरा यही हो सकता था जो मैंने पहले एक बार बताया था आपसे, कि आप कम से कम फिल्म को, फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोसेस को आप जो है बिल्कुल ही अलग कर दीजिए फिल्म इंडस्ट्री से। जो नॉर्म है सारी दुनिया में, यही नॉर्म है कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग उसमें नहीं रहते, आप ये कर दीजिए। जो समाज शास्त्री हैं, जो साइकोलॉजी हैं, जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके एसोसिएशन हैं, उनमें से चुन के लोगों को वहां रखिए, जो तय करें कि साहब ये बच्चों के देखने लायक फिल्म है या नहीं, और फिर वो ये भी देखें कि जो गाइडलाइंस है उनको पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है या नहीं। उसमें जो है डिस्क्रिशनरी पावर किसी के पास नहीं रहे, या तो भी रीजनल ऑफिसर है उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, चेयरमैन के पास तो है ही, तो चेयरमैन बनाएगा वो कमिटी, जो एग्जामिनिंग बॉडी कमिटी के बाद जो है जो दूसरी जो रिव्यू कमिटी होती है वो चेयरमैन बनाता है, तो उसके पास भी रिव्यू का पावर है, वो अपने लोगों को रखता है, उसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग भरे पड़े हैं। जो फिल्म जो है रिजेक्ट कर दी जाती है एग्जामिनिंग बॉडी द्वारा, पता चलता है कि उसमें पास हो जाती है, क्योंकि वहां बैठे हुए हैं और सुनाम धन्य लोग, महान लोग, विद्या बालन बैठी हुई है, विद्या बालन जो है रचनात्मकता की जो है मतलब की प्रतिमूर्ति है, उन्होंने रचनात्मकता के क्षेत्र में इतने बड़े झंडे गाड़े हैं कि वो जानती हैं कि अरे ये तो रचनात्मक एक्सप्रेशन है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर कहां से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, पास करो इस फिल्म को, हिंदुओं को गाली दे रही है पास करो, हिंदू गाली सुनने के आदी हैं पास करो इस फिल्म को, ये तो हालत है। और ये है भारत की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, जो राष्ट्रवाद के आधारशिला पर खड़ी हुई और राष्ट्रद्रोह के मंच, राष्ट्रद्रोह के बिंदु तक पहुंच गई है। और राष्ट्रद्रोह छोड़ी, अवनत की ये हालत है कि अपने बच्चों को, उनके गिरते हुए चरित्र को, उनको बर्बादी के राह पे जाते हुए यहां का सबसे बड़ा स्टार देख रहा, कोई चिंता नहीं है, और झूठ बोलते हैं दुनिया भर का चरित्र और ये और वो, कहीं कोई चरित्र नहीं कुछ होता है। शाहरुख खान थे, उनकी एक फिल्म डॉन जो है दिखाई जाने वाली थी बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में, मैं उस समय गया हुआ था वहां पर, तो उसमें पहले शाहरुख खान नहीं आए, तो पहले आ गई थी प्रियंका चोपड़ा, तो उन दिनों बड़ा चल रहा था कि प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान का गड़बड़ हो रहा है। वहां पहुंचे शाहरुख खान ही पहुंचे, लेकिन उनके साथ साथ उनकी पत्नी भी पहुंच गई, अजपत प्रियंका चोपड़ा जो है वो सीन से गायब हो गई। जो मेन जो उसका प्रीमियर था फिल्म का, उसमें प्रियंका चोपड़ा वहीं बर्लिन में रहते हुए उस प्रीमियर पे न जा पाई, क्योंकि ऐसा लगा लोगों को, वहां जो चर्चा हुई उस चर्चा में ये हुआ कि साहब शायद शाहरुख खान की पत्नी जो है ये स्वीकार नहीं करती, और यहाँ उनके जो सबसे अच्छे मित्र थे करण जौहर, वो प्रियंका चोपड़ा को गालियां दे रहे थे। तो ये तो स्थिति है। तो अब ये तो, और हम लोग बार बार दुनिया भर के चरित्र की बात करते हैं, जो कैरेक्टर ये प्ले करते हैं तो बड़े चारित्रिक दृष्टि से बड़े ऊंचे कैरेक्टर होते हैं, और व्यवहार ये नजर आता है हर जगह, ये हालत ये। इसीलिए बॉलीवुड में कोई भी, मैं बता रहा हूं आपसे, आपके दर्शकों से, विशेष रूप से नौजवानों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो न्यायप्रिय हैं, जो ये मानते हैं सही गलत का कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उनके अंदर जो है वो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बुद्धि है, वो ये जान लें कि कहीं भी ये प्रेरणा के स्रोत इनमें से कोई नहीं हो सकता। मुझे अभी तक इस बॉलीवुड के अंदर, मैं जितने साल से भी इसको मैंने जाना है, पहचाना है, मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जो प्रेरणा का स्रोत हो सके, वो भी जो फिल्म इंडस्ट्री में। उनको भी मैं बताना चाहता हूं, जो निर्देशक हैं और ये सारे लोग हैं जो निर्देशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो भी अगर बेंचमार्क बनाने हैं
तो अपने खुद के ऊंचे बेंचमार्क रखें, रचनात्मकता के बेंचमार्क रखें। ये रचनात्मकता के बेंचमार्क पे भी बॉलीवुड के अधिकांश रचनात्मक लोग बहुत ही नीचे बेंचमार्क के साथ काम करते हैं, नकल करके काम करते हैं। तो अगर एक नई कुछ नया कुछ कर गुजरना है फिल्म के क्षेत्र में, नई फिल्म विधाओं कुछ नया देना है, तो इन बेंचमार्क से भी चलना जो है मूर्खता है। अपने नए उत्कृष्ट बेंचमार्क बनाए। हॉलीवुड के भी बेंचमार्क अब बहुत नीचे आ गए हैं, उनसे भी ऊंचे बेंचमार्क बनाए, चाहे कलात्मक फिल्में हो चाहे कमर्शियल फिल्में हो। और संभावनाओं संभावनाएं अपरंपार है। और हिंदू विषयों पर फिल्म बनाए, इतने सुंदर विषय है, विषयों की कमी नहीं है। और बड़े आत्मविश्वास के साथ फिल्म बनाए और सुंदर फिल्में बनाए लोग। जी हाँ, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, आप बहुत ओजस्वी आख्यान दिया है और बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा कहना पड़ेगा। आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, वो रोमांच रोमांच की अनुभूति करा दी। लेकिन यदि हम ये देखें कि बॉलीवुड के अतिरिक्त, आपने हिंदू विषयों की बात की, हिंदू विषय बॉलीवुड में तो बहुत समय से नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है 50 साल हो गए होंगे। लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय फिल्में हैं उनमें तो अभी तक आ रहे थे। और जैसे बाहुबली भी जो एक फिल्म बनी जो इतनी सुपरहिट फिल्म थी, वो भी संभवतः इसीलिए बनी क्योंकि उसका जो मूल था वो तेलुगु था। तो इनके ये समझ में नहीं आता, ये जो नकलची हैं यहाँ के बॉलीवुड वाले। निश्चित रूप से आपने जो कहा वो बिल्कुल नकलची है। मैं तो शोले को बहुत अच्छी फिल्म मानता था, बाद में पता चला वो भी नकल है। वो वैसे भी हमारे वो आप म्यूटेड है, तो हमारे मित्र हैं ना जावेद अख्तर भाई, जिनके हम अत्यंत प्रशंसक हैं, वो कोई भी अच्छी बात कहते हैं तो मुझे उस पर कॉमेंट करनी ही पड़ती है। कम से कम आप है ना वहाँ, मतलब नहीं तो लोग जनरली बड़ा सम्मान दिखाते हुए चुप लगा जाते हैं। तो आप जवाब देने वाले मिल गए उनको। मुझे ये नहीं पता था कि ये, तो मुझे बहुत बाद में पता चला, अभी कुछ ही दिनों पहले पता चला कि ये नकल है। और मैं तो उसको सोचता था कि साहब कितनी कलात्मक फिल्म है, कितनी अच्छी बनी है। और जब हम बच्चे थे तब तो बिल्कुल उस समय तो शोले 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 लोग जो है वो काउंट किया करते थे कि मैंने 10 बार देखी, मैंने 15 बार देखी। लोग एक एक डायलॉग थे उसको सुनाया करते थे। अब पता चल रहा वो नकल थी, तो कमाल ही है। तो ये जो बाहुबली जैसी सफल फिल्म एक भारतीय कथानक पे बन सकती है और इतनी सफल हो सकती है, फिर भी इन आपके जो हैं हमारे रचनात्मक कलात्मक महान डायरेक्टर ये सब, इनको ये समझ भी नहीं आता? नहीं, ये जो ये ठीक तब हो सकता है जबकि उसमें एक जब डीरेसिनेटेड क्लास पूरा का पूरा फिल्म बनाने में लग जाए। पहले ऐसा नहीं था, सारे लोग जो है डीरेसिनेटेड नहीं, जब सबका थोड़ा बहुत संपर्क अपनी संस्कृति से था। जैसे कि कांग्रेस नेता भी तो होते थे जिनको थोड़ी बहुत अपने देश की संस्कृति का भान रहता था, वो जानते थे और बहुत पगे थे। ऐसा नहीं था कि मूर्ख थे, वो सारी परंपराओं को समझते थे, जानते थे। लेकिन अभी ये जो पूरी एक डीरेसिनेटेड क्लास जो खड़ा हो गया उसके अंदर, उसमें समस्या आगे खड़ी हो जा रही है। उस दृष्टि से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो डीरेसिनेटेड नहीं है लोग, वो अभी भी अपनी भाषा से जुड़े हुए हैं। हमारा डीरेसिनेशन जो है, अब देखिए मैं बता रहा हूँ, एक बार क्या हुआ कि एक बार अमिताभ बच्चन अपनी एक फिल्म प्रमोट कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसमें मैं भी था। तो बाकी सारे लोग तो सवाल हुआ ज़्यादा नहीं पूछते हैं वहाँ, पत्रकारों का ये रहता है कि भाई बच्चन साहब के तो अच्छे ही बुक में रहना चाहिए। तो उन्होंने उसमें एक कहा कि साहब लोग बार बार बोलते हैं कि हम लोग हॉलीवुड की कहानियाँ चुराते हैं, लेकिन हमारी कहानी चुरा के देखिए ईटी बना दिया स्पीलबर्ग। तो हमने ये बड़ा खोज के उदाहरण आपको मिलता है, तो यही एक उदाहरण मिलता है क्या? मैंने पूछा, इनके मुंह पे बोला मैंने कि बस यही एक उदाहरण मिलता है आपको, ईटी बना दिया, कि वो कोई कथा थी सत्यजीत रे की, उसको लेके ईटी बना दिया। आप लोग यहाँ वैसे कर क्या रहे हैं? बाकी सारी फिल्में तो सारी नकल की हुई होती हैं। जिस फिल्म को वो प्रमोट कर रहे थे वो भी नकल की हुई थी, तो हमने सारी नकल की हुई फिल्में होती हैं। और ये यथार्थ नहीं है क्या कि आपके डायलॉग अंग्रेजी में आते हैं फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोग बोलते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ ये तो सच है। तो ये डीरेसिनेटेड क्लासेस, डायलॉग भी अंग्रेजी में लगता है फिर उनका ट्रांसलेशन
हिंदी में होता है या उर्दू में होता है, किसी भी भाषा में होता है, डायलॉग अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। तो ये जो डीरेसिनेटेड क्लास है उसको कुछ पता ही नहीं है इस संस्कृति के बारे में, उसको पता ही नहीं, उसको अध्ययन करने की आवश्यकता भी अनुभव नहीं करता वो। इसीलिए जब किसी ने कहा ना कि हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा एक मंदाकिनी माथुर जी हैं, बहुत बड़ी स्कल्प्टर हैं, वो मुझे बिलीव एक बार ऐसे ही कहीं किसी कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी, कहीं कोई अवार्ड्स के लिए हम लोग कुछ स्क्रीनिंग वगैरह देख रहे थे, उसमें तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो रहा है कि आमिर खान बनाने जा रहे हैं महाभारत। शॉक, आमिर खान महाभारत एक्सपोर्ट हो गए, बनाने जा रहे हैं, वो तो हर चीज बहुत नुक्ताचीनी करके चलते हैं। पता चला कि ये क्या नाम है इनका, हीरानी, ये महाभारत बनाने लग जाए। एक फिल्म तुम लोगों ने अपनी कोई ओरिजिनल किसी जेनुइन सब्जेक्ट पे बनाई हो, सफल फिल्में जरूर बनाई होंगी, लेकिन वो सब की सब तो नकल की हुई थी, वो भी मुन्ना भाई MBBS से लेके सारी फिल्में नकल की हुई फिल्में थी, पीके नकल की हुई फिल्म थी। तो उन विषयों को लेके तुम लोग यहां बनाते रहे हो, तुमने अपना कुछ अपनी संस्कृति का अध्ययन नहीं किया, तुम हर जगह अपनी संस्कृति को नीचा दिखाते हो और तुम चले हो महाभारत बनाने, तुम चले हो रामायण बनाने, महाभ्रष्ट फिल्म मेकर हो, तुम्हारा चरित्र एकदम गया गुजरा है और तुम चले हो रामायण में राम का पात्र निभाने। मानी कहीं कोई कुछ तो सेम्बलेंस होना चाहिए, इतने बड़े एक्टर तो तुम हो नहीं कि तुम्हारा चरित्र परिलक्षित नहीं होगा जब तुम उस चरित्र को, राम के चरित्र को निभा रहे होगे, तो सब कुछ तुम्हारे डायलॉग नहीं परिलक्षित होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति जो डीरेसिनेटेड है, वो अगर किसी भी भारतीय विषय को, विशेष रूप से हमारी जो कहानियां हैं, हमारे इतिहास को लेकर कोई फिल्म बनाया जाएगा, उसमें घालमेल करेगा ही करेगा, नहीं बना सकता उसको ठीक से और ईमानदारी से। उसके लिए उसको पकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपनी संस्कृति को, अपने देश को। तो कितने ऐसे फिल्म मेकर जो समझते हैं, लेकिन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अंदर समझते हैं। आप देखेंगे तो तेलुगु फिल्मों में अभी भी राम, जब हीरोइन होती है तो अगर अपना बॉयफ्रेंड ढूंढती है तो राम जैसा होना चाहिए, फिर उसको लगता है कि राम जैसा ठीक नहीं है तो कृष्ण जैसा होना चाहिए, क्योंकि आजकल थोड़ी चतुराई और चालाकी जरूरी है। राम बड़े सीधे हो जाएंगे आज के जमाने में, तो कृष्ण जैसा कोई होना चाहिए जो सबक सिखा सके जो सारे बदमाशों को। तो ऐसा कैरेक्टर जो है वो हो, और वो फिल्मों में उस तरीके के डायलॉग लिखे जाते हैं तेलुगु में और कन्नड़ में, वो अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं। आप कन्नड़ फिल्में देखेंगे तो जो शैवाइट परंपरा है उनकी, उस लिंगायत सेक्ट से जो जुड़े हुए फिल्म मेकर हैं, वो अपनी परंपरा के बारे में अपनी फिल्मों में दिखाते हैं और इतने सुंदर तरीके से दिखाते हैं उसको, इतना ऊंचे स्थान पर रख के दिखाते हैं। लेकिन यहाँ कौन किस ऊंचे स्थान पर रख के दिखाएगा, तो उर्दू वर्ड है, ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं, ऊंचे स्थान पर कहां से दिखाएंगे, समस्या तो ये है। तो तेलुगु और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में ये अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है कि उन्होंने अपनी वो डीरेसिनेटेड नहीं है, अपनी संस्कृति से तभी भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए आप इतना सुंदर बोलने वाला जो तेजस्वी सूर्य है, जैसे सूर्य है, कम से कम आप सुनेंगे तो उनको अपने धर्म की भी जानकारी है, अपनी संस्कृति की भी जानकारी है, अपने सनातन धर्म की भी जानकारी है, संघ से जुड़े होने के बावजूद हो जाती है कि आदमी, मैं खुद ही डीरेसिनेटेड हो गया था, तो ये थोड़ा होता है। वो डीरेसिनेटेड समाज नहीं है, बड़ी सुंदर बात है उस तेलुगु और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को, तो मैं बड़ा अच्छा मानता हूँ, बड़ी फिल्में उनकी देखता हूँ बड़े शौक से, और मेरी मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे ही बने रहे, उनकी फिल्में चले और सफल हो। जी चलिए, आपने बहुत सुंदर विवेचन किया पूरे प्रकरण का, आइए अब हम चलते लोगों के प्रश्न आए हुए हैं, उनके प्रश्न ले लेते हैं कुछ। और प्रश्न लेने से पहले सभी से अनुरोध है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, जो भी देख रहे हैं वो लाइक का बटन तुरंत दबा दें, ऐसा आपसे अनुरोध है। इसको वीडियो को फिर शेयर भी करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे सपोर्ट लिंक और हमारे फॉलो लिंक जो है उन पर भी जाकर क्लिक करके और यथासंभव जो कर सकते हो करें। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Pandering Panda, bitter truth, Hindu समाज is cucked. नहीं ऐसा नहीं है भाई, हिंदू समाज अभी भी जागृत अवस्था में है और अब हो रहा है परिवर्तन, आ रहा है, चिंता की बात नहीं है।
नेक्स्ट प्रताप रामचंद्र, थैंक यू सर जी फॉर एक्सपोजिंग द फिल्थी बॉलीवुड वर्ल्ड। देखें ये सब एक्सपोज करने का कोई लाभ निकलता है क्या? बहुत लाभ निकलता है, बहुत। आप मुझे पाकिस्तान से एक आया क्योंकि मेरा इंटरव्यू हुआ, आरजू काजमी है हमारे यहाँ भी आती हैं, हमको बुलाया उन्होंने, इस विषय पे किया इंटरव्यू कि अजमेर शरीफ में हिंदू जो है जाने 60% कम हो गए। तो मैंने कहा तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, वो मूवमेंट तो मैं नहीं चलाया था, मूवमेंट इसीलिए चलाया था कि भाई हम बिल्कुल हम आपका आप जितना हम आपका इस्लाम का उतना सम्मान करेंगे जितना आप हिंदू धर्म का सम्मान करेंगे, आप हम पैगंबर का उतना सम्मान करेंगे जितना आप श्री राम का सम्मान करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हम अल्लाह का उतना सम्मान करेंगे जितना आप ईश्वर का सम्मान करेंगे, हम कुरान का उतना ही सम्मान करेंगे जितना आप वेद पुराण का करेंगे, इसमें समस्या क्या है, ये तो बराबरी की बात है। बिल्कुल, तो यही प्रचलित कर रहे हैं, सामान्य शिष्टाचार है, सामान्य शिष्टाचार। और यदि वहां पर आपका जो भी खादिम है वो जाता है, वो क्या बड़बड़ाता है आपको सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो पता चल गया, हमने पता कर लिया, हमें उर्दू भी आती है थोड़ी बहुत, पढ़ पढ़ा भी लेते हैं, और ये जो आपकी किताबों में लिखा रहता है, जो अखबारों में छपता है उर्दू अखबारों में उर्दू प्रेस में, वो भी पढ़ लेते हैं, हमें पता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि इस काफिर को दीन में ला, ए पीर इस काफिर को दीन में ला, उसके अलावा तो अगर वो कोई भी उसकी दुआ कबूल करवा देगा तो वो खुद मुनाफिक कहलाएगा या वो खुद काफिर हो जाएगा। तो जब से हमने लोगों को बताना शुरू किया तो लोगों की समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो ठीक है, इसमें क्या बुराई क्या है, बराबरी तो होनी चाहिए ना, रेसिप्रोसिटी तो एक प्रिंसिपल है, तो ठीक है वो समझती हैं थोड़ा, उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया, कहा ये बात अगर ऐसी है तो ये गलत है, आप पता कर लीजिए आपके यहाँ पाकिस्तान में क्या 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 बात होती है, तो असर तो पड़ रहा है सर, असर पड़ेगा, मतलब ये मुहिम चलती रहनी चाहिए जी। गणेश मविलापल्ली, मोस्ट बॉलीवुडर कॉपी फ्रॉम वेस्ट, दो आंखें 12 हाथ फ्रॉम डर्टी डजन। प्रताप रामचंद्र, टू मच ऑफ लेफ्टिस्ट मेडलिंग इन आवर ब्यूरोक्रेसी इज लीडिंग टू दिस टेरिबल सिचुएशन। अब क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ना, ये पूरी की पूरी सरदार पटेल ने इसको सेव तो किया ब्यूरोक्रेसी, लेकिन मुझे लगता है कि यदि वो और लंबे समय तक रहते तो इसको संभवतः रिफॉर्म भी करते, इसको संभवतः वो इंडियनाइज भी करते, क्योंकि पूरा का पूरा वही कल्चर आज तक चल रहा है और वही पीयर प्रेशर है कि तुमको जो भी तुम्हारा जो धर्म है वो अंधविश्वास है और जो लॉ है वो लॉ का, तो आपको पता होगा कि लॉ इज अ बाइबलिकल क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट, इट्स अ क्रिश्चियन थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, लॉ इज अ क्रिश्चियन थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, डिक्री इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, इज अ चर्च कॉन्सेप्ट, चर्च की डिक्री होती है। साई दीपक हैज डन अ वेरी, आई मीन एक्चुअली हैज गॉन इन too much into detail, you know, the book has become too thick, because, you know, there is a lot of repetition, you know, I mean, probably he could have made it a little more concise, but probably he also wanted to bring out 2-3 volumes of it, but he has done it, you know, I mean, very beautifully, he has brought in all the source material to prove the point, you know, very effectively. Well, so that is correct. Aapko main bataunga, Sai Deepak se isi vishay par meri 3-4 साल पहले से कई एपिसोड्स हैं, मैं आपको दिखा दूंगा उस पर, इन्हीं विषयों पर बात हुई है, कभी ये कहाँ से आया लॉ, ये कहाँ से आई डिक्री, ये आपकी जो स्टेट है ये आपके गॉड के डिवाइन राइट थ्योरी का पार्ट नहीं है क्या, ये हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कार में कहाँ है, ये जो डिवाइन राइट्स हैं जिसको इस्लाम जो है वो अल्लाह के राइट्स में प्रोजेक्ट करता है, वो अल्लाह के राइट्स हैं। अब कश्मीर में नरसंहार हुआ, वहाँ लोग कह रहे हैं कि साहब हमने क्या गलती की, हमारा क्या अपराध है,
अरे तुम्हारा अपराध है, कुरान कह रही है कि जो काफिर है वो जालिम है, क्या जुल्म कर रहा है वो, आप पूछेंगे भाई क्या जुल्म कर रहा है वो, अल्लाह के जो राइट्स हैं, वो जो अल्लाह के राइट्स हैं उनको उनका हनन कर रहा है, उनका हनन कर रहा है, अल्लाह का राइट्स है, ही इज द ओनली वन हु शुड बी वर्शिप्ड, फर्स्ट राइट, सेकंड दैट एवरीबॉडी शुड बी अ स्लेव टू हिम, सेकंड राइट, दैट ही शुड बी फियर्ड इज थर्ड राइट। अब इसके विरुद्ध जाके जो सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम और एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की बात करेगा वो तो जालिम ही हुआ ना, ये बेसिक लोगों को समझ में नहीं आता। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता था, मैंने ये जो मैक्स मुलर की वो एक किताब है, बड़ी पुरानी किताब है, जिसमें उसने भारतीय संस्कृति के बारे में बताया है, और लोग AIT थ्योरी वगैरह जो उसने याद किया हुआ अलग है, लेकिन उसमें वो उसके लेक्चर्स हैं जो उसने दिया था, जो ICS एस्पिरेंट्स जाते थे ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में जहां भी, तो वहां जो लेक्चर देता था उस लेक्चर में वो ये इनसे कहता था कि भाई तुम लोग जो हो जानते ही नहीं हो अपने देश के बारे में। उस समय के ICS एस्पिरेंट्स को मैक्स मुलर की जो किताब है उसके अंदर जो लेक्चर दे रहा है, उस लेक्चर में ये उनसे कह रहा है कि तुम जानते नहीं हो कितना बड़ा कल्चर तुम्हारा है। वो मैक्स मुलर जिसको आज हम गाली देते हैं क्योंकि उसने आई थियरी की बात की, उसने अपने अलग खेल खेले होंगे, वो मैकॉले का एजेंट रहा होगा, लेकिन फिर भी उन लेक्चर्स में मैंने जो पढ़ा है उसमें वो कहता है इनसे कि तुम लोग कुछ जानते ही नहीं हो अपने देश के बारे में, कितने बड़े मूर्ख हो, तुम्हारा देश, तुम्हारी थाती इतनी तगड़ी है, इतनी सुंदर थाती है, तुम उसके बारे में जानते नहीं हो, फिर भी ये कैसे रह गया, कैसे बच गया, ये सब मेरी समझ में नहीं आता। वो लेक्चर जो है वो शुरू में देखे मैक्स मुलर चला गया, इसके बाद उसको कहीं दबा दिया गया क्या, मेरी समझ में नहीं आता। तो ये जो है ये इनको वही सारी के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, और सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन जो है जब एकेडमी में जाते हैं तो पूरा पीयर प्रेशर जो है, यू आर स्पेशल, यू आर एलीट, यू आर दी व्हाट इज कॉल्ड आयरन फ्रेम ऑफ दिस कंट्री, और वो सारी जो बकवास जो भरी जाती है वो लोगों के दिमाग में इतनी गहरी चली जाती है, फिर जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है, एक इम्तहान पास किया जिंदगी में अगर आपने बढ़िया तो उसके बाद कुछ नहीं करना, फिर आप अपने बॉस को बना के रखिए, नेता को बना के रखिए, प्रोग्रेस इज अश्योर्ड, करियर प्रोग्रेशन इज अश्योर्ड, बाकी सब है भाड़ में। ये है प्रॉब्लम मेडलिंग से ज्यादा, ये जो पूरा जो कल्चरल जिसको बोलते हैं कि बिक्वेस्ट, कल्चरल बिक्वेस्ट वो है। लेकिन नहीं, उसमें भी कई लोग तो आते हैं ना, जब मुझे पता है कि UPSC जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था तो मेरे साथी इंजीनियरिंग भी जो कर रहे थे, MTech वगैरह कर रहे थे, वो UPSC की तैयारी कर रहे थे, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में गए होंगे, कुछ IAS वगैरह में ही गए होंगे, वो तो नहीं थे ना, वो तो जिस उसी जमीन से आए थे, कोई यादव हैं तो कहीं कोई श्रीवास्तव है, तो वो तो अपनी जमीन से आए थे, वो कैसे इतने डिसाइड, वो कैसे इतने बदल जाते हैं, वो मेरी समझ में नहीं आता है। वो पीयर प्रेशर देखते जाके ना, उनको लगता है कि साहब के हमारा देखो इतना अच्छी अंग्रेजी बोलता है और वो करता है और डिबेट करता है और साहब ऐसे करता है वैसे करता है, उनको बड़ी हीन भावना होती जाके तुरंत वहाँ पे, सबसे पहला काम यही होता है वहाँ पे जाके, आधे लोग तो हीन भावना में चले जाते हैं, फिर जो वो दूसरे तो छोटे शहर से आया हूँ, कभी मैं विदेश यात्रा वगैरह भी गया हूँ, कहीं भी हीन भावना तो मैंने नहीं कभी उसका अनुभव किया, कुछ और ही भावना है, कुछ होता है कहीं से, वो होता है, वो होता है निश्चित रूप से होता है। मैं भी जब पहले पहले बाहर गया था तो मैंने उसका अनुभव किया था, लेकिन मैं उससे ऊपर निकल आया, बात अलग है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में शिक्षित था, मैं मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, वहाँ सारे के बड़े बड़े अंग्रेज चारों तरफ से, बॉम्बे से, कोई गोवा से, कोई मद्रास से, कलकत्ता से, सब हमारी अंग्रेजी तो ठीक थी, राइटिंग तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरा सिलेक्शन ही इंग्लिश की वजह से हुआ था वहाँ पे, लेकिन हमारा प्रोनंसिएशन थोड़ा देसी था। नहीं, मेरी तो बहुत समस्या थी, मैं तो बलिया में पढ़ा लिखा, आप भी सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में पढ़े हैं मैंने सुना, आपने उसे कुछ कहीं कहीं महाराणा प्रताप शिशु शिक्षा विहार में पढ़ा। हाँ, तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा था, तो अंग्रेजी वगैरह तो खैर थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन बोलने का तो कोई प्रश्न ही पैदा होता था, तो इमरजेंसी में मुझे हैदराबाद में भेजा गया, भगा दिया गया, तो पिताजी जेल में थे, तो उस समय मैंने देखा यहाँ तो सारे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, तब मैंने जो है थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, अपने आप ही डेवलप किया, तो मुझे लगा कि हम लोग विषयों की जानकारी हमारी अंग्रेजी भाषा में अच्छी होती थी, लेकिन कॉन्वर्सेशनल अंग्रेजी जो है हम लोगों की उतनी अच्छी नहीं होती थी, तो इसीलिए किसी विषय के ऊपर चर्चा हो तो हमने तो अध्ययन किया होता था,
बाकी तो गपशप करने वाले होते थे कॉन्वेंट वाले, तो उनके मुकाबले हम लोग ठीक रहते थे, कोई समस्या नहीं होती थी। और मैं तो मैथ गणित वगैरह जो है बीज गणित और वो कोज्या स्पज्या वाला उन दिनों चला करता था, आजकल तो खत्म ही कर दिया। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं यूपी बोर्ड का तो कोई मुकाबला ही नहीं था बिल्कुल, तो इसलिए हम तो उससे ऊपर उठ गए, कभी कोई हीन भावना आई नहीं, बल्कि हमारे कारण लोगों को बहुत सारी हीन भावना आ जाती थी, वो बात आज भी आती है। गणेश, हु रिक्रूट्स सीबीएफसी चीफ, व्हाई बीजेपी इज सो पैरालाइज्ड? सीबीएफसी चीफ इज रिक्रूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें कोई नहीं है कि कोई पैनल बना के, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो उसको डिसाइड करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रधानमंत्री स्तर पे कोई निर्णय ले लेगा, वो हो जाएगा, उसको आईएनबी मिनिस्ट्री जो है उसको आगे बढ़ा देगी। नेक्स्ट, अब बीजेपी क्यों पैरालाइज है ये तो खैर पता तो नहीं, पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे, वहां कुछ हीन भावना, वहां भी कहीं कुछ हीन भावना है। राजेश जी का एक ब्लॉग चलता है खुल्लम खुल्ला, आप उसको पढ़े, और इनका ट्विटर है खुल्लम खुल्ला, उसको फॉलो करें, उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी अंदरूनी। प्रताप रामचंद्र, अमर चित्रकथा फाउंडेड बाय श्री अनंत पई जी डिड अ ग्रेट जॉब इन प्रिजर्विंग आवर कल्चर फॉर चिल्ड्रन वाया ब्यूटीफुल बुक्स। यस यस यस, नो डाउट, आई यूज्ड टू इंटरैक्ट क्वाइट ऑफन, आई यूज्ड टू गो टू हिज ऑफिस एंड इवन अदरवाइज वी वुड मीट क्वाइट ऑफन। नेक्स्ट, डन ऑलरेडी डन, पैंडरिंग पांडा क्वेश्चन हो चुका है। पैंडरिंग पांडा अगेन, वसुधैव कुटुंबकम हैज रिड्यूस्ड दिस नेशन टू अ डर्टी थर्ड क्लास धर्मशाला व्हिच लेट्स इन एंड प्रोवाइड शेल्टर टू एनी आइडिया इवन इफ दैट आइडिया वांट्स टू डिस्ट्रॉय द सेम धर्मशाला, रीजन व्हाई हिंदू सोसाइटी इज सो डीपली करप्ट। नो आई डोंट अग्री पैंडरिंग पांडा, द प्रॉब्लम इज दैट वसुधैव कुटुंबकम हैज बीन एक्सप्लेन्ड वेरी वेल बाय आवर ट्रेडिशन। वसुधैव कुटुंबकम ओरिजिनली फ्रॉम महोपनिषद इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट टू बी यूज्ड इन अध्यात्म, एंड व्हेन दे ट्राई टू यूज इट इन व्हाट इज कॉल्ड अधिभौतिकी, यानी इन द मटेरियल वर्ल्ड, देन हितोपदेश हैज मेड फन ऑफ दैट। सो इफ पीपल हैव नॉट रेड दैट हितोपदेश स्टोरी देन इट्स इज देयर प्रॉब्लम, यू शुड रीड दैट हितोपदेश स्टोरी एंड tell it to anybody who tries to project Vasudhaiva Kutumbakam, an adhyatmic concept, in the material world. It simply says that the adhyatmic concepts should not be used in the material world without proper adaptation. As simple as that. No, and if this was such a great mantra, then why did the Mahabharat take place? Exactly. You know? So वो पूरी वो कहानी है ना, वो सियार की और हिरन की, हितोपदेश की, आपने बताया था। हाँ। हाँ। नहीं, लेकिन कृष्ण जो है उनको हम लोग फॉलो कर रहे होते युधिष्ठिर बनने में लगे हुए हैं, वो समस्या है, लेकिन हमारे भगवान कह के गए हैं कि युधिष्ठिर मत बनो, मत बनो, बिल्कुल उदाहरण दे, कुछ और गए, हम लोग फॉलो कुछ और करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वास अग्निहोत्री सर, डू यू थिंक विवेक अग्निहोत्री विल डू जस्टिस टू कश्मीर फाइल्स? आई होप सो, एंड बट लेट मी ऐड यू नो दैट आई आल्सो आई प्रे ही डज जस्टिस टू दिस ग्रेट सब्जेक्ट एंड आई होप द फिल्म गेट्स रिलीज एज सून एज पॉसिबल एंड इट सर्टेनली यू नो आई मीन इफ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर एट द मोमेंट यू नो इफ दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द फिल्म दैट विल बी triumph of the filmmaker. Let's see whether it gets reflected. Next, Chidambar, K. Vishwanath movies in Telugu were a commercial success while grounded in our culture. I don't understand why other directors don't do this. The most successful films have always been grounded in our culture. The most successful, you know, I mean, but we don't want to seek inspiration from our culture anymore. No, we want to seek inspiration from all other sources except our own culture. You know, and we talk about being Vishwaguru, you know, on what is strength?
because you know we have our philosophy, we have our traditions, we have our society, we have our history based on that. The problem is that deracinated Bollywood doesn't know that, but those in the regional cinema space, they know it, and somehow, you know, I mean, when they make those films do very well, exceptionally well. So that should give us hope and inspire Bollywood morons to do something. Bollywood morons, they are actually. Next, Bharat Singh. Mazhab andar aur bheja bahar hai. Charsi wood ka. So, okay. Devto Dev keh rahe, Sufi wood successfully normalized Bindi. They are normalizing Tilak these days. Not many notice, Manyavar's ad groom doesn't have Tilak. Also in TV, male characters doing Ganesh Puja don't have Tilak. Okay, कोई बात नहीं, मेरे पे तो लगा हुआ है ना, देख रहे हैं आप, नवरात्रि स्थापना का तिलक है, उनको मत देखें आप, हमें ही देख. नेक्स्ट, नथिंग फ्री टीवी सीरियल्स आर नो लेस टू ब्लेम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इज इन एवरी स्टोरी लाइन, दे करप्ट वुमेन दैट इज मदर्स, व्हाट संस्कार विल दे गिव टू चिल्ड्रन. No, I mean, but the most successful TV serials probably, you know, were not the ones, you know, which had these extramarital affairs. What happened, there was a time when the TV serial business started in India, you know, when particularly the soap opera genre came to India. So they were seeking inspiration again, you know, from abroad. So they were copying, you know, all those foreign serials. I don't remember their names either now, you know. So they were copying that, you know, and that's why they were bringing in all those concepts, particularly again, deracinated youngsters, people, you know, like serials like Tara and all, and thought that is how, you know, you can tell a story. But I mean, later on there were serials which talked about Indian culture, tradition, and they did very well, they did exceptionally well. But in the beginning, you know, I mean, the soap opera business started with again copycatting foreign soap operas. Next, The Bold and Beautiful and all those serials. Correct. Bharat Raguni, Pranam Guruji, please do a stream of Bollywood ke Deen par Ehsanat. Chaliye, dekhte hain. Next. Ek hamara wo chalta hai Deen ki Daawat. Haan, dekhta hoon. Wohi keh rahe hain, usi tarah ka Bollywood. पिछली बार तुफैल साहब तो मतलब अब एनवलप जितना पुश कर सकते थे उतना कर दिया उन्होंने पिछली बार तो इंटरलॉग सेंटर क्यों नहीं एक्शन लेता, ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों नहीं रेगुलराइज हो रहा है सीबीएफसी? सेंटर तो एक्शन लेता ही है, वो प्रसून जोशी को बना देता है सीबीएफसी चेयरमैन, लेकिन सेंटर जानता नहीं है. प्रसून जोशी जो है वो अपनी दोस्ती निभाते रहते हैं, तो उस समस्या में मैंने सीबीएफसी को रिफॉर्म करने का, देखिए जब एक नई सरकार बनती है तो उससे अपेक्षा होती है कि हर क्षेत्र के अंदर कुछ नया करें, महत्वपूर्ण करें और ऐसा रिफॉर्म करें जिससे कि एक पॉजिटिव रिफॉर्म हो. तो फिल्म इंडस्ट्री में इन सारे इंस्टीट्यूशंस में कोई रिफॉर्म ही नहीं हुआ, उसमें माटवली ही होती रही कि भाई हाँ चलो ठीक है इनको रख दो, ये जोड़ तोड़ कर लेंगे, अपना काम चलता रहेगा. तो उन्होंने इसको गंभीरता से लिया नहीं है, इसकी गंभीरता को समझते नहीं है, ये समस्या है. नेक्स्ट, ओरिएंटल आर्म्स, ये बॉलीवुड सबसे बड़ा जिहादी प्रोपेगेंडा मशीन है, कैसे करें एक्सपोज, प्लीज कोई प्रैक्टिकल सजेशन दे. हम तो लगातार कर ही रहे हैं ना, यही है प्रैक्टिकल काम, उन्हें वो है, लेकिन लोग फिल्म देखना, जरा बॉलीवुड की फिल्म देख नहीं रहे हैं लोग, ये सबसे बड़ा वो होगा. इसके बाद सुधरेंगे, जहां इनकी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हुई और इनके प्रोग्राम फ्लॉप होना शुरू हुए, इसके बाद ये बदलेंगे, क्योंकि पैसे अंत में ये पैसे का ही सोचते हैं अंततोगत्व. उस समय इनको ना दीन की फिक्र होती है, ना किस ईमान की फिक्र होती है. धन जो है अगर वो नहीं आना, अभी पैसा बहुत कमा रहे हैं जावेद अख्तर, तो उनको चिंता नहीं है. वो आईपीआरएस के कुछ चेयरमैन वगैरह हैं, उसमें दुनिया भर का पैसा लूटते हैं वो, अब कमाते हैं, लूटना कहना गलत होगा, तो उसमें सब कुछ सारी कमाई हो रही है, दुनिया भर का इनको रॉयल्टी मिलता है जो मिलना नहीं चाहिए था. ये लिरिक राइटर थे, फिल्म मेकिंग में जो प्रोड्यूसर होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो सब इन्वॉल्व होते हैं लिरिक राइटिंग के प्रोसेस में. वो ओरिजिनल लिरिक्स मोस्टली नहीं होती है, ओरिजिनल लिरिक हो तो उसकी कॉपीराइट जो है केवल लिरिक राइटर के पास होनी चाहिए, लेकिन जनरली वो ओरिजिनल नहीं होती है, सब कंट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन उन्होंने ऐसे कुछ कर दिए, उस समय सिबल साहब के अच्छे दोस्त थे, उस समय दोस्ती निभा के यहाँ जाहिरा शेख को जेल में डलवा रहे थे, तो ये सारे खेल खेल रहे थे, उसके अंदर उनको मौका मिला, उन्होंने
सब कुछ हमारे जो फिल्म प्रोड्यूसर्स कम्युनिटी थी उसका तो बुरा वाला नारा ही कर दिया। तो इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोड्यूसर्स की एक ही इंडस्ट्री थी सारी दुनिया में, वो थी बॉलीवुड। वो इंडस्ट्री उन्होंने खत्म कर दिया, जो पूरी तरह से विदेशियों के हाथ में, और ये अपना पैसा कमा रहे हैं। डॉक्टर किशोर कुमार, बॉलीवुड इज डोमिनेटेड बाय डॉन्स एंड टॉलीवुड एंड कॉलीवुड इज सफरिंग विद फेक सोशलिस्ट्स, योर व्यूज प्लीज। No, Bollywood is dominated by, yes, a deracinated class, and then all the Jamia Millia and JNU Brigade has also come in. And most of the time, these corporates who are coming from outside, companies like Netflix and Amazon Prime, you know, they prefer to employ these guys because, you know, they also come from a woke, left-liberal culture abroad. You know? I mean, they have been supporting the woke and left-liberal gang even in the U.S., so it's the same set of people, you know, they are picking, you know, the birds of the same feather is happening here. So these guys, you know, from Jamia Millia and JNU are generally picked up, left liberal gang, and they become executives and then they start playing their game openly. And now because the law, the new law that was that has been brought in, it gives them a still greater freedom to do anything. They can form their own guidelines and they can pass the films on their own guidelines, and they can make any kind of films and programs and TV serials and TV series, web series. So they have become free and they were very happy about it. That's the problem. You know, this government doesn't even know that whatever it's going to do is going to make its opponents and crooks very happy. There's no oversight, basically. Yes. Gaurav Sharma, is this not a cultural crime to have denied our generations about our history lost in the partition? Who will tell Katas Raj and Mata Hingalaj? It is a cultural crime. Certainly, I mean, but now, I mean, the new generation is getting to know it. अपने आप प्रयास कर रहे हैं लोग. People are getting to know it thanks to social media. In spite of many restrictions, we are getting to know it. This social media has done quite a lot. You know, this will be very important, unless, you know, I mean, they really throttle Hindu voices or the voices that are termed as right-wing voices, you know, or conservative voices. If they throttle it totally, that's another thing. But otherwise, the Hindu uprising will be caused by social media. Avyakt Aryan, do you think there is a lot of Chinese influence in our Bollywood movies? Not yet. But it will start coming because the Chinese, you know, they have started funding these people in roundabout ways, you know. So when the films, they pick up some of these Indian films to be shown there, you know, so they can influence. The Chinese have influenced even Hollywood. You know, no Hollywood film can be critical of the Chinese. Why? Because Chinese are funding those films. Because most of the Hollywood films, its major revenue is now coming from the Chinese market. That is, if a film does $1 billion worth business, 500 millions of that money, you know, comes from the Chinese market. So that's how Chinese control them. Market controls everything. So but we have not been able to leverage our market power as much. Thank you. There's one last question. It says that we all at home are very excited of Deen Ki Daawat. We listen Deen Ki Daawat just as listening radio in early 80s. हाँ, तो ये तो awareness बहुत बढ़ रही है. हमारे मुसलमान भाई लोग भी उसको सुनते होंगे शायद. जरूर सुनते होंगे. दीन की दावत है. दावत-ए-इस्लाम तो बहुत अच्छी चीज है. इसी के साथ हमारा सेशन पूर्ण होता है. आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी. आपने आज बहुत ही रोमांचित किया. और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय श्री राम.